एक गांव में एक सोहन नाम का आदमी रहता है, जिसका एक पोल्ट्री फार्म रहता है। वो लोगों के दुकान में जा जा करके अंडे पहुंचाया करता था। एक दिन वो सुबह सुबह अंडे पहुंचाने के लिए एक दुकान जाता है और वहां अंडे पहुंचा देता है। वो दुकान वाला उससे बहुत खुश होता है, क्योंकि वो अंडे सही और अच्छे दाम पर दिया करता था। और सोहन फिर अपने घर आता है सारा काम करके। तभी उसका बेटा उससे बोलता है कि पापा मुझे बाइक दिला दो, मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, मैं भी बाइक चलाया करूँगा और स्कूल जाया करूँगा। फिर उसके बेटे भी बोलते हैं कि पापा मुझे भी स्कूटी दिला दो, मेरी सारी दोस्त स्कूटी चलाती हैं। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है, मैं अपने दोस्त से बात करूँगा। उसका दोस्त उसी गाँव में रहता था जो एक बाइक के शोरूम में काम करता था, तो वो उससे मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में अंडा पड़ा हुआ मिलता है, वो उसे उठाता है, वो गिरकर टूट जाता है। उस अंडे से धुआं निकलता है और उस धुएं के अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है और वो चुड़ैल सोहन को डंडे से मार रही होती है। सोहन पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मार रही हो, पर वो चुड़ैल कुछ नहीं बताती, बस उसे डंडे से मारती जाती है और डंडे गिनती जाती है, 1, 2, 3। तभी वहाँ सोहन का दोस्त आ रहा होता है, जिससे मिलने सोहन जा रहा होता है। वो देखता है सोहन किसी से बात कर रहा है और वहाँ पर कोई नहीं है। तभी वो सोहन को लेकर अपने घर आ जाता है और सोहन से पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे। तब सोहन बताता है कि पता नहीं, इस रास्ते से मैं जब भी गुजरता हूँ एक चुड़ैल आकर मुझे मारती है, पीटती है या फिर परेशान करती है। उसका दोस्त उसे एक बाबा के बारे में बताता है और फिर सोहन अपने घर आ जाता है और घर आकर फिर वो खाना वाना खाकर सो जाता है। रात में अचानक से उसके रूम में अंडे गिरने लगते हैं। उन दोनों की नींद खुलती है तो दोनों देख रहे होते हैं कि छत पर से अंडे आकर गिर रहे हैं। तभी वो लोग बाहर जाने लगते हैं तो वहाँ चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल को देखकर उन लोगों की चीख निकल जाती है और वो आवाज़ सुनकर उनके दोनों बच्चे वहाँ आ जाते हैं। और वो लोग आते हैं तो चुड़ैल गायब हो जाती है। वो लोग पूछते हैं कि आप लोग क्यों चीखे, क्या हुआ। तभी वो लोग बताते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही बस, तुम लोग जाओ अपने रूम में, और उन लोगों को उसके रूम भेज देते हैं। और वो दोनों बात करने लगते हैं कि आखिर क्यों ये चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है, क्यों हमें परेशान करती है और आपको उस रास्ते में बार बार मिलती है। तभी सोहन सोच रहा होता है तभी उन्हें चीखने की आवाज़ आती है और वो लोग अपने बच्चे के कमरे में दौड़ कर जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि उनके बच्चे एक अंडे के अंदर बंद हो गए हैं और वो पूरे अंडे के अंदर हैं। वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि चुड़ैल आई थी यहाँ एक और उसने हमें अंडे में बंद कर दिया, जल्दी हमें बाहर निकालो, हमारा दम घुट रहा है। सोहन जल्दी से हथौड़ा लाता है और अंडे को फोड़ने लगता है और अंडा फोड़कर दोनों बच्चों को बाहर निकाल लेता है। फिर सोहन बोलता है अब बाबा को बुलाना पड़ेगा और जो बाबा के बारे में उसका दोस्त उसे बताता है उस बाबा को बुलाकर ले आता है। वो बाबा कुछ तंत्र मंत्र करता है और उस चुड़ैल को अपने पास वहीं इसी रूम में बुला लेता है और उस चुड़ैल से पूछता है कि बताओ तुम क्यों इसे परेशान करती हो और क्यों इसे रास्ते में मिलती हो, मारती हो। तब वो चुड़ैल बताती है कि इसने मेरे अंडे चुराए थे और उसी अंडे से ये दोनों बच्चे निकले। हम चुड़ैल अंडे देती हैं, हम चुड़ैल इंसान की तरह बच्चे नहीं देते। तब वो बोलता है कि ये बच्चे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। फिर वो सोहन बोलता है कि तुम्हारे बच्चे यहाँ सही सलामत है और उन्हें जो भी ज़रूरत का सामान है वो सब मैं उन्हें देता हूँ, तुम्हारे बच्चे यहाँ ठीक ठाक रहेंगे। और उसके बच्चे भी बोलते हैं कि मुझे अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ नहीं जाना। तब चुड़ैल बोलती है कि ठीक है, तुम लोगों को यहीं पसंद है तो तुम लोग यहीं रहो और मैं तुम्हें देखने आया करती रहूँगी।